भैया और बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम वसंत भाग तीन के पहले लेसन ध्वनि, जो कि एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि एक कविता है और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। इसमें कवि ने प्रकृति के प्रति अपनी मानवीय संवेदना व्यक्त की है। मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कुछ सुधार करने के प्रयास किए हैं, कुछ जागरूकता का प्रयास किया है। इसमें जो मुख्य बात है वह यह है कि कवि के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त किया गया है। अपनी कविता के द्वारा कवि जो है लोगों में उत्साह जगाना चाहते हैं, एक जागरूकता लाना चाहते हैं। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, आप सभी इसे अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। पहला पाठ निकालिए ध्वनि, इसकी पहली पंक्ति है अभी न होगा मेरा अंत। यहां से इसकी काव्य पंक्तियां जो हैं वह प्रारंभ है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहां पर कवि कह रहे हैं कि उनका जो कवि रूपी जीवन है, जो कविता वह बताना चाहते हैं कविताओं के माध्यम से, या जो अपनी प्रतिभा को वे साबित करना चाहते हैं, या लोग यहाँ मानते हैं कि उनका जो कवित्व है वह प्रभावशाली नहीं रहा है, उसका अंत होने वाला है, तो ऐसे लोगों को, अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कवि कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, कि मेरा जो अंत है वह अभी नहीं हो सकता। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, वो कह रहे हैं कि मेरे वन रूपी जो मेरा जीवन है उसमें जो है मृदुल वसंत, यानी कि वसंत का जो आगमन है वह खुशियों का आगमन है। जैसे वसंत ऋतु में नए नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, एक नई बहार आ जाती है, तो कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वह वन रूपी था और उसमें जो है अभी अभी तो मृदुल वसंत आया है, यानी कि एक मधुर वसंत आया है। अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि मेरा जो अंत है वह अभी नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, कह रहे हैं कि ये जो हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ों पर नए नए आए हैं, ये कब आए हैं? वसंत ऋतु में आए हैं। हरे हरे ये पात, यानी कि हरे हरे ये पत्ते डालियां कलियां कोमल गात, जो डालियां हैं वे, जो कलियां हैं वे, और जो कोमल कोमल जो कोंपले खिली हैं वे, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निवृत कलियों पर। अब कह रहे हैं कि अपना जो स्वपन रूपी मृदुल कर है, कर का अर्थ यहाँ पर क्या है? कर का अर्थ है हाथ से, कर का अर्थ है यहाँ पर हाथ से। कवि ये कह रहे हैं कि मेरा जो हाथ है वह क्या है? मृदुल है, यानी कि कोमल है, कोमलता का आभास उसमें आ रहा है। एक स्वपन के समान वह जो हाथ है, जो मृदुलता का भाव दे रहा है, उसे मैं कहाँ पर फेरूंगा? निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ होता है निद्रा में सोए हुए, निद्रित का अर्थ यहाँ पर अलसाए हुए लोगों से है। निद्रित का अर्थ है आलस्य से पूर्ण, यानी कि ऐसे जो लोग हैं जो आलस से भरे हुए हैं, ठीक है, उन लोगों के ऊपर मैं अपना हाथ फेरूंगा। इस पंक्ति का तात्पर्य ये हुआ कि मैं अपनी कविता के माध्यम से, अपने कविता के शब्दों के माध्यम से जो है मैं उनमें उत्साह पैदा करने का प्रयास करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का अर्थ है यहाँ पर प्रातः काल,
क्या है, प्रातःकाल एक जो अच्छा प्रातःकाल होता है, जो मनोहर होता है, जो एक आकर्षक होता है, मन को हरने वाला होता है, ऐसी जो प्रातःकाल है वह मैं लोगों को दूंगा, यानी कि मैं उनमें उत्साह भर दूंगा, उन्हें ऊर्जावान कर दूंगा, वे आलस को त्याग देंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से, यहाँ पर पुष्प का जो अर्थ है वह क्या है, हर युवा व्यक्ति से है। जो भी युवा व्यक्ति है, अगर वह आलस से भरा हुआ है, या उसका काम करने का मन नहीं है, या वह अपने कार्य के प्रति जागरूक नहीं है, उसमें कर्तव्य निष्ठता का जो है अभाव है, तो कह रहे हैं कि ऐसे पुष्प पुष्प से, यानी कि हर एक एक युवा से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, यानी कि आलस्य जो है उसे मैं खींच लूंगा, यानी कि वह अपने आलस्य को त्याग देगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं। यानी कि मैंने जो नव जीवन लिया है, यहाँ पर नव जीवन का तात्पर्य कवि का यह है कि उन्होंने कविता के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से दूसरे लोगों को जगाने का प्रयास किया है, तो वे कह रहे कि ये जो नव जीवन मैंने लिया है ये एक अमृत के समान है, और जैसे पौधों में पानी देकर उन्हें बड़ा किया जाता है, वैसे ही क्या है, मैं उस अमृत से उनको सींचूंगा, यानी कि जब मैं अमृत से उनको सींचूंगा तो उनमें क्या है, अपने आप ही जागरूकता आएगी और वे आलस्य त्याग देंगे और अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अब कह रहे हैं कि मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा। द्वार का अर्थ यहाँ पर दरवाजे से है। हम किसी के भी घर जाएं तो सबसे पहले हमें दरवाजे पर जाना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी कि ऐसे लोगों को मैं क्या है उत्साह से भरकर, ऊर्जा से भरकर उन्हें वो द्वार दिखा दूंगा, वो दरवाजा दिखा दूंगा। है मेरे वे जहाँ आनंद, जहाँ पर मेरे वे अनंत रहते हैं। अनंत का तात्पर्य ईश्वर से है। अनंत का जो तात्पर्य है वह ईश्वर से है। वे कह रहे हैं कि जहाँ पर मेरे ईश्वर रहते हैं, जो मेरे ईश्वर का घर है, वो द्वार जो है मैं उन्हें दिखा दूंगा, अभी ना होगा मेरा अंत। यानी कि अभी मैंने इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करना है, इसलिए क्या है मेरा अंत होना अभी संभव नहीं है। ये जो कविता है इसमें आपने एक बात मुख्य जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कवि जो है प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना को, अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहा है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि जो युवा पीढ़ी है वह आलस से भरी हुई है, या उन्हें ये आभास नहीं है कि उन्हें इस समय अपने किस कार्य को करना चाहिए, किस कर्तव्य पथ पर जाना चाहिए, तो कवि जो है यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से, अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से उनमें उत्साह और ऊर्जा भरकर उन्हें आगे की ओर चलाना चाहता है। आज हमने ध्वनि जो है आपके इस वसंत भाग 3 की पहली कविता है, ये आपका पहला पाठ है, जो कि एक कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। आज हमने ध्वनि को पढ़ा, आप सभी इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में इसकी आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या से ये होता है कि आप कम से कम 80% आप पाठ को समझ जाते हैं। जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो आप उसका अच्छे से अपने शब्दों में भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए हमें इसकी व्याख्या